मल्टीपल फाइबर अकाउंट्स में रन कर रहा हूँ अहमदुल्लिक मैं टॉप रेटेड फ्री लांस उसके अलावा मैं यूट्यूब भी काम करता हूँ उसके बाद यूट्यूब ऑटोमेशन उसके अलावा टिकटॉक शॉप ई काम काफ़ी सारे काम करता हूँ तो आपको बेसिकली एक बताने का इंट्रोडक्शन का मकसद अगर मैं काम कर सकता हूं तो आप भी काम कर सकते हैं मेरी पूरी टीम है अहमद और को ऑफ कर लें आप काइंडली अगर मैं काम कर सकता हूँ तो आप भी काम कर सकते हैं कोई मसले वाली बात नहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बेसिकली मैं एस की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ एसई ओ आप से लोग एस सी ओ का पहले ऑलरेडी जानते होंगे ओवरव्यू देता कुछ स्टूडेंट्स कुछ मेरी बहने कुछ मेरे भाई न्यू भी होंगे उन्हें जिस चीज के बारे में नहीं पता होगा ताकि कल वो सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हैं या घर सर्विस प्रोवाइड करते हैं लिंक बिल्डिंग क्लाइंट्स आते हैं तो उन्हें हर चीज के बारे में पता होना चाहिए क्या सिस्टम है क्या नहीं है जिससे आवाज नहीं आ

ये जिस तरह की साइट्स बनी हुई है ये एक साइट्स एक साइट्स बनाने वाले डेवलपर्स होते हैं डेवलपर्स और एसईओ एक्सपर्ट्स में काफी डिफरेंस होता है डेवलपर सिर्फ आपको साइट्स क्रिएट करके देता है और जो एसईओ एक्सपर्ट होता है उसका काम होता है साइट को रैंक करना गूगल में हजारों साइट्स गूगल में ये सर्फ्स में है, आप जितना नीचे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे सर्फ्स में साइट्स ओपन होती जाएंगी इवन के एमआई मेरी सेटिंग ऐसी लैपटॉप की है कि ये साइट्स ओपन होती जाएंगी लेकिन साइट्स वही रैंक करती हैं जो पहले नंबर पे होती हैं या दूसरे नंबर पे होती है तीसरे नंबर पे होती है उन्हीं पे क्लाइंट्स आते हैं आके क्लिक्स करते हैं उन्हें फिर अर्निंग होती है ब्लॉगिंग से कोई ब्लॉगिंग से कर रहा होता है कोई या मार्केटिंग से कर रहा होता है डिफरेंट थिंग होते हैं डिवेल्पर का काम होता है साइट बनाना यार ये लाइन मत लगाओ मोहम्मद साबिर डिवेल्पर का काम होता है साइट बनाना एस एक्सपर्ट का काम होता है साइट को गूगल पे रैंक करना सिंपल वर्ड्स में उन्हें चीजें समझा रहा समझाना जो मेरे बहन भाई मैट्रिक पास है कुछ भी पास है जिन थोड़ी बहुत चीजों की समझ आ जाए उसके बाद एस में तीन टर्म आ जाती है ऑन पेज एक होती है एस में ऑन पेज एक होती है टेक्निकल एस सी ओ और भी दे रहा हूँ नहीं करवानी ताकि आपको पता होना चाहिए क्लाइंट हैं साफ आपसे ऑन पेज की भी डिमांड करते हैं ऑफ पेज की भी डिमांड करते हैं एक होती है ऑफ पेज ठीक है ऑफ पेज

इसका जो आप ये फ्रंट हैंड देख रहे हैं बिल्कुल चीज इसे कहते हैं ऑन पेज ऑन पेज एस एक्सपर्ट्स का काम होता है वो साइट्स को डिजाइन करता है डेवलपर की तरह ही वो साइट को डिजाइन भी करता है इस पर आर्टिकल वगैरह पोस्ट करता है जो ओवर आउट होता है मीन का जो फ्रंट हैंड होता है वो एस ऑन पेज एस एक्सपर्ट का काम होता है नंबर वन

वो ऑफ पेज एस यू एक्सपर्ड करता है यहां तक बात क्लियर हो गई है सारे डिफरेंस की जो मैंने चीज समझाई है लाइन इरेज का समझ नहीं आ रही कैसे होगी की मुझे यहाँ तक चीज क्लियर हो गई है थोड़ा सा जो मैंने उन्नीस ओवरव्यू आपको दिया है या नहीं क्लियर हुआ मुझे कह सकते ऑन पेज की समझ आ गई टेक्निकल एस की समझ आ गई ऑफ पेज की एस की समझ आ गई यहाँ तक चीज क्लियर होगी एस के बारे में ओवर व्यू में बता रहा हूँ आपको ये काम कल अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम जॉब करते हैं या फिर आप बैकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं कुछ भी करते हैं आप तो सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा था अगर आपके पास क्लाइंट आ जाता है आपसे ऑन पेज के बारे में बात करते हैं टेक्निकल एस के बारे में बात करते हैं ऑफ पेज एस के आपको इस चीज का पता होना चाहिए मैं जो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ मैं ऑफ पेज एस की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ इसे ऑफ पेज एससी की सर्विस भी कहते हैं इसे बैक भी कहते हैं और इसे लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं ऑफ पेज एससी पे को बैकलिंग भी कहते हैं लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं और इसे ऑफ पेज एस सी ओ को बैक भी, बैक भी में भी इसका नाम जाता है लिंक बिल्डिंग में इसका भी नाम आ जाता है ठीक है, है और मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा मोहम्मद ब्रदर समथिंग मैं आपको ऑफ पेज एससी सर्विस सिखाऊंगा जो मैं प्रोवाइड करता हूँ इसका मैं बेनिफिट भी आपको बताऊंगा और इसका क्या बेनिफिट है मैं ऑफ पेज एससी सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करता हूँ ऑफ पेज सर्विस प्रोवाइड करने का क्या बेनिफिट और आप फिर एक्सचेंज सर्विस आप कैसे प्रोवाइड करते हैं इससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ आपको उसके ऊपर फाइवर पे ये जस्ट मैंने यहाँ पे बैकलिंग का कीवर्ड टाइप किया की है और आपके सामने बहुत से लोग आ गए हैं जो बैकलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक दो गिक्स को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें कितना पोटेंशियल है ये 150 फिफ्टी बैकलिंग प्रोवाइड कर रहा है चौवन हजार रुपए में कुछ लोग ये कहते हैं कि लाइक के फाइवर like, uh, पे आपको काम नहीं मिलता ऑफर पे काम नहीं मिलता यूट्यूब का चैनल मोनोटराइज नहीं होता अगर आपकी सोच ही है तो ये काम आपके लिए नहीं है आप छोड़ दें वही पंद्रह से बीस हजार रुपए की जॉब इसके लिए नहीं दे अगर एक सेलर यहाँ पे ये प्रो सेलर है या कोई टॉप रेटेड सेलर है या यहाँ पे लेवल टू सेलर है वो प्रोवाइड बैक लिंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अगर इसके मैं ऑर्डर बताऊं तो इसने इकहत्तर सौ ऑर्डर कम्प्लीट कर लिए और इसका प्रीमियम पैकेज है इक्कीस हजार रुपए का ये राउंड अबाउट तकरीबन अगस्त में ये सेलर आया है और

और बहुत मजे की चीज है अब आपके माइंड में उमर भाई कह रहे हैं मजे की चीज क्यों है क्यों नहीं है इसके मैं बताता हूँ देता हूँ क्या मैंने इस तरह की जाके गिग बना ली फाइबर पर अपना अकाउंट बना क्लाइंट है क्लाइंट की साइट हो गई ए बी सी डॉट कॉम बच्चों की तरफ समझा रहा हूँ उंगली पकड़ के समझा रहा हूँ ए बी सी डॉट कॉम ठीक है मुझे कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया मैंने खुद मार्ग आगे सीखा ना ही पाकिस्तान में कोई ये चीज सिखाता है ये क्लाइंट की साइट है

कॉपी करने के बाद सिंपल एक्स वाई जेड डॉट कॉम पे जाके पेस्ट कर दिया तो सिंपली उसका एक बैक लिंक बन गया एबीसी डॉट कॉम क्लाइंट की साइट है सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ बच्चों की तरफ और एक्स वाइज कॉम फ्री वाली साइट से ये मैं आगे बताऊंगा कौन सी फ्री वाली साइट उस पर मैंने जाके ए बी सी डॉट कॉम वाली साइट को कॉपी किया कॉपी करने के बाद एक्स वाई जेड डॉट कॉम वाली साइट पे जाके मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया उसका एक बैक लिंक्स बन जाएगा इस बात की समझ आई है कि बैक लिंक्स क्या होता है मुझे ये बता दें सिंपली अभी मैंने बताना दें नहीं समझ आई मुझे कह दो सर जी समझ आई आपने बहुत नाम सुना होगा मेरी वीडियो से कहीं सुना है है तो सिंपल ये होता ठीक भाई क्लाइंट की साइट है बी डॉट कॉम कोई भी साइट मैंने फर्ज कर लिया क्लाइंट की साइट है क्लाइंट की साइट है ए डॉट कॉम क्लाइंट की साइट को कॉपी करके फ्री वाली साइट पे पेस्ट करना है अगर एक फ्री वाली साइट पे आप पेस्ट करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा वो एक बैकलिंक बन जाएगा समझ आई है इस चीज की

कल तो उसके बाद मैंने आपको बताया था गैस पोस्ट के बारे में आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें के बारे में पता होगा जो होती है वो पेड होती है मोस्टली और की सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड करता हूँ वो फ्री होती है गैस पोस्ट का भी आपको मैं थोड़ा बहुत नॉलेज दे देता हूँ गैस पोस्ट क्या होती है गैस पोस्ट ये होती है कि आपकी आपके पास क्लाइंट आता है क्लाइंट कहता है ये मेरी एबीसी डॉट कॉम साइट से मुझे अपनी साइट का लिंक किसी रैंक साइट पे पेस्ट करवाना है मतलब जो ऑलरेडी गूगल पे रैंक साइट मुझे पेस्ट करना है उसमें हम क्या करते हैं गैस पोस्ट में गैस पोस्ट में हम ये करते हैं हम एज वेंडर थर्ड थर्ड पार्टी के तौर पे काम कर रहे होते हैं मेरे पास क्लाइंट आएगा कहेगा उमर मुझे फ्लाट ट्रेवल डॉट साइट या कोई भी रैंक इससे लिंक चाहिए मैं उस साइट के ऑनर के पास जाऊंगा मैं कहूँगा जनाब मेरे क्लाइंट का बजट है हंड्रेड डॉलर उसे बताऊंगा तो नहीं मैं सोचूंगा मेरे क्लाइंट का हूँ हंड्रेड डॉलर अस्सी डॉलर मैं आपको पे करता हूँ इस साइट को लिंक अपनी साइट पे पेश करते हैं जो बीस डॉलर है वो मुझे बच जाएगा एज ए वेंडर के तौर पे मैं गैस पोस्ट में काम कर रहा करो गैस पोस्ट पेड होती है गैस पोस्ट में थोड़े बहुत मसले मसाइल भी होते हैं लेकिन जो बैक की सर्विस जो ये प्रोवाइड करें जो मैं प्रोवाइड कर इसमें मेरी भी गिग्स हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया गैस पोस्ट से वर्षित बैकलिंस में क्या फर्क होता है या किसी को इस चीज के बारे में अभी भी समझ नहीं आई ऐसा किसी को समझ ना आई कि गैस हो यार बाकी चुप होके ना बैठे रहा अगर अगर समझ काम समझाने के लिए अगर नहीं है तो फिर दोबारा समझाऊंगा में 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 समझा रहा मैं मैं लेकिन फिर फिर भी जितना मुझसे हो सकता है मैं तो करता आपकी तरह एक पेड़ आपको फिर उस आ, से बात करने के लिए आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए आपको एक आर्टिकल लिखना पड़ता है आर्टिकल लिखने के लिए आप उस क्लाइंट के पास उसके ऑनर के पास जाते हैं आप उसे कहते हैं गैस पोस्ट में होता है क्लाइंट आपको साइट देता है मुझे एक रैंक साइट पे चाहिए अक्सर क्लाइंट डिमांड कर देते हैं मुझे फ्लॉस साइट से चाहिए हम उस साइट के ऑनर के पास जाते हैं उससे बात करते हैं ईमेल के थ्रू हम उससे अपनी जेब से पहले पेश पे, पे करते हैं पे करने के बाद हमारी साइट का लिंक अपनी साइड करता है तो कर उसमें कुछ कुछ दिन तक आपको मेल्स नहीं आती और नहीं करते जो ऑनर होते हैं फिलहाल गैस पोस्ट हमारी पोस तीन चार साल से मैंने बिल्कुल भी नहीं अभी तक किया तो गैस पोस्ट आ जाती है और जो बैकिंग सर्विस करता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है कुछ शायद मेरे भाईयों ने मसला किया इसलिए तो नहीं करता लेकिन गैस पोस्ट अच्छी नहीं है मैं नहीं का क्लियर हो गया आपको बैकलिंग कैसा होता है बैकलिंग क्या चीज है गैस का क्लियर हो गया गैस और बैकलिंग में क्या डिफरेंस है एससी का पता चल गया आपको बेसिक चीज आपकी क्लियर हो गई है मेरा कोई मेरी भाई मेरा बहन जिसे ना समझ आई है सर जी इसके बारे में नहीं पता चला डिफरेंट लोग हैं बैकलिंग सर्विस प्रोवाइड करें और एक अच्छी खासी अमाउंट हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहे हैं मुझे तो पता है अगर इसमें अगर जो ये जो रैंक जो फाइवर का अकाउंट है जो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये मंथली कम से कम कम से कम बीस बीस पच्चीस पच्चीस लाख रुपए बना रहे हैं से ये सारे बैकलिंग सर्विस फिर इसमें बैकलिंग के टाइप्स आ जाती हैं बहुत सी चीजें आ जाती हैं वो फिर मैं आगे इनशाला फर्दर डिस्कस करेंगे उससे फिलहाल मेरा आज का सिस्टम तो आपको बैकलिंग के बारे में बैकलिस्ट के बारे में पता चल गया आपको या नहीं पता चला किसी का कोई क्वेश्चन इस बारे में जहाँ मैंने अब तक पढ़ा है एस के बारे में बैकलिंग के बारे में लिंक बिल्डिंग के बारे में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें हाँ जी किसी का कोई क्वेश्चन है पूछे पूछे शर्माना नहीं है सीखने के लिए आया मैं कुछ नहीं कह रहा पूछ लें अगर तो कोई कंस्ट्रक्चर वाइट हेड ये आगे बहुत आगे की बात इसे छोड़ दें अभी बेसिक पे बात करें नो no, सर जो अभी पढ़ा है उसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो गैस पोस्ट की समझ ना ही हो तो पूछें पूछे सवाल कर सकता हूँ गैस मिशी गैस पेड़ होती है और जो बैक हैं फ्री होती है गैस पोस्ट में ये सिस्टम होता है कि ऑलरेडी जो रैंक साइट है गूगल में उससे हमें लिंक लेना पड़ता है मतलब आपने जेन में रखना है पेड साइट होती है मोस्टली जो होती है फ्री वाली भी होती है लेकिन मोस्टली गैस पोस्ट होता है गैस पोस्ट में ये होता है कि हमारे पास क्लाइंट है क्लाइंट ने हमें अपनी साइट ए बी सी डॉट कॉम साइट पे दी

सा क्लियर हो गया गैस पोस्ट का क्लियर हो गया उसके बाद ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग क्लियर हो गया ठीक है अब जो की टाइप्स टाइप्स होती हैं ऑफ मैंने तकरीबन एक मंथ में कोर्स मुका देना चार से पाँच सात क्लास में ठीक है ना, ना अपना टाइम वेस्ट करना ना वेस्ट करना मेरा गैस पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है मैंने बैक का काम करता है मैं वही लर्न करवाऊंगा इसमें अच्छा मार देना अच्छा प्रॉफिट है अगर मैं इस टाइम अगर आपको दिखा दूँ ऑर्डर किस तरह के सीक्वेंस में चलते हैं तो आपकी आंखें निकल के बाहर आ जाए लेकिन फिलहाल आपको मैंने काम सिखाना टाइप्स ऑफ बैकलिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ प्रोफाइल बैलिंग बैक टू बैकलिंग बैकलिंग सबमिशन बैकलिंग बैक और ब्लॉग कमेंट्स ये सिर्फ यही वाले बैकलिंग टैक्स में फाइबर में प्रोवाइड करता हूँ मैं यही सिखाऊंगा मेरा जो सिखाने का मकसद है मेरे बेसिकली सिखाने में मैं फोकस काम करता हूँ मैं कमाने पे ज्यादा फोकस करता हूँ देखें एग्जांपल देता हूँ मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स स्टूडेंट नहीं मकसद मेरे भाई बहन मेरे पास आते हैं कोई कहता है जी मैं फ्री लांसिंग करता हूँ मैं अमेजोन पे काम करता हूँ कहता है मैं पे काम करता मैं यूट्यूब पर काम करता हूँ मैं सिर्फ एक सिंपल पूछता हूँ वो मुझे कहता है मुझे ये भी काम आता है फलाना भी काम आता है मैं ये भी करता हूँ सिर्फ एक बार पूछता हूँ भाई जन कमा लेता है कितना पैसे कमाता है जब वो कहता है ना है कि मैं कुछ नहीं कमाता या मेरे पास कुछ नहीं है मैं चार मैं मेहनत कर मैं कोई स्किल नहीं आपके पास हमारा मकसद होता है मेरा मकसद जो सिंपल जो मैं फोकस करता हूँ पैसे कमाने पे होता है ठीक है सोलह साल की डिग्री करते हैं सोलह साल की डिग्री करने के बाद मुझे छह हजार रुपये की जॉब की ऑफर हुई थी मैंने पहले भी बताया था तो मेरे लिए कोई मायने रखती छह हजार की जॉब मैंने उसमें कहा तो कोई फायदा नहीं हुआ मेरी डिग्री का पैसा अगर आपको कोई स्किल दे रही है तो आपके पास एक्सपर्ट है आप हैं आपके पास अगर आपको वो स्किल पैसा नहीं दे रही वो स्किल नहीं है इंसान सारी जिंदगी सीखता है माँ के पेट से लेके और मरने तक कब्र तक सीखता ही रहता है लेकिन अगर आपको कोई स्किल अगर आपको वो चीज पैसे प्रोवाइड नहीं कर रही आप अर्न नहीं कर रहे हो आपके लिए कोई स्किल नहीं है क्या अगर मैं इस बात में गलत कह रहा हूं तो आप मुझे कह सकते हो भाई आप गलत कह रहे हैं लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो आपके पास स्किल अगर आपके पास पैसे नहीं कमा रहे हो तो आपको स्किल नहीं है बैकलेंस की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं लेकिन सिर्फ मैं आपको बैकलेंस की वही टाइप्स बताऊंगा जो मैं प्रोवाइड करता हूँ इसलिए सीखते हैं dead, हम स्किल सीखते। ऐसा कमाने के लिए हम सीखते हैं अपने आप के फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अपने माँ बाप के लिए कुछ करने के लिए अपने बहन भाई के कुछ करने के लिए अपनी अगर आप मैरिड है तो अपनी वाइफ के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा देना चाहते हैं स्किल आप एमेजोन भी सीख लें स्किल आप ई मेल सीख लें इट्स सीख लें एस सीख लें ग्राफिक बैब कुछ भी सीख लें कुछ भी सीख लें आप अगर आपकी वहां से अर्निंग नहीं हो रही तो आप कुछ भी नहीं आपके पल्ले है स्किल वही है स्किल वही है वही है जहां से आपको अर्निंग हो रही अगर आपको अर्निंग नहीं हो रही तो आपके पास कुछ भी नहीं है डिग्री भी कर लिया डिग्री के बाद अगर अच्छी तगड़ी जॉब नहीं है पचास हजार लाख डेढ़ लाख डिग्री तो का भी कोई फायदा नहीं सिखाने को बैकलाइन की बहुत से टाइप्स है मैं वो सिखा सकता लेकिन फाइबर पे सिर्फ मैं यही बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं आपको यही सिखाऊंगा ना मैंने अपना टाइम वेस्ट करना ना आपको ये सारी अवेलेबल है, अवेले है। दे तो देखें ये गैस पोस्ट लिखा हुआ है लेकिन आपको सिर्फ मैं वही चीजें करवाऊंगा जो आपके काम की है और ये जितनी भी साइड है प्रोफाइल बैकलिंग है ये सारे वही बैकलिंग होंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट

लग रहा है मुझे आप अपना समझते ही नहीं हो सर सर ना किया करा करें कियाम भाई किया कंस्ट्रक्चर होता है अली, ब्रदर कंस्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा मैं अभी के टाइप्स कौन कौन सी जरा मुझे बता दें जो हम करेंगे बैकलिंग की रिलेटेड होने चाहिए नहीं होने चाहिए बैकलिंग डू फॉलो होने चाहिए बैकलिंग नो फॉलो होना चाहिए बैकलिंग क्या होना चाहिए बैकलिंग क्या नहीं होना चाहिए ये इंशाल्लाह आगे की बातें ये आगे करूंगा अभी इस सिस्टम अभी कोई नहीं करना ये मैं बैकलिंग की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ और मैं वो बहुत हैवी प्रोवाइड करता हूँ तो स्ट्रक्चर बैकलिंग्स वो होता है जो कंटेंट के अंदर से बैकलिंग्स आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ना कीजिएगा क्योंकि नहीं अभी को समझ नहीं आती आज के लिए इतना काफी है या नहीं काफी इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको प्रोफाइल और वेबसाइट टू तो बैकलिंग्स करवाऊंगा और इसकी रिकॉर्डिंग ताकि इस चीज़ों को समझ लें वन मंथ में क्लियर करवा दूंगा यार असल में चीजें बहुत ज्यादा मैं करवाऊंगा लेकिन मैं फिर उसी चीज पे फोकस से कमाना सीख लें लाइव लिंक यही होता है जो बैक लिंक्स लाइव होते हैं वो लाइव लिंक होता है बैकलिंग क्लियर हो गया जी फाइवर गिग बनाना भी मैं सिखाऊंगा और इसके अलावा आपको मैं का ओवरव्यू देना था मैंने ओवरव्यू दिया आपको मैंने आपको टाइप्स ही बताई जो जो टाइप्स की मैं देता हूँ और अगर आपको जिसमें स्टूडेंट हो मेरी सक्सेस स्टोरी इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है ये तो बात की चीज है व्हाट इज वेब वेब बैक लिंक्स बड़ा होते हैं कंटेंट के अंदर से बैक है आपको मैं लाइव शो करूंगा इसमें आप अपना कंप्लीट आर्टिकल पेश कर सकते हैं प्रोफाइल बैक लिंक्स क्या होते हैं प्रोफाइल बैक लिंक्स का भी मैंने समझा अगर देखें ये मेरी इंस्टाग्राम आई डी ठीक है इंस्टाग्राम आई डी के अंदर हम प्रोफाइल्स बनाते हैं आप फेसबुक की प्रोफाइल्स बनाते हैं प्रिंटर्स की भी बनाते हैं किसी चीज की प्रोफाइल्स बनाते हैं ठीक है ये इसके अंदर यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर कहा आपको ऑप्शन मिलता है ठीक है ऑप्शन आपको मिलता है सेटिंग के अंदर आप वहां पे जाके अपनी वेबसाइट का लिंक भी लगा सकते हैं अपने क्लाइंट की साइट का लिंक इस तरह प्रोफाइल्स बनाते हैं ये चीज मैं आपको बताऊंगा आगे कि आपने प्रोफाइल बैक लिंक कैसे बनाना है प्रोफाइल में जाके लिंक को कैसे लगाना आज फिर मैंने आपको बैकलिंग से ओवरव्यू करवाना था और वो मैंने करवा अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लें कि हाँ जी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बैकलिंग से रिलेटेड अपलोड कर देंगे जनाब वीडियो अपलोड हो जाएगी कोई परेशानी वाली बात नहीं है सर हो जाएगी कम आपका तो टाइम नहीं होता इन बॉन्डिंग आउट बॉन्डिंग आगे की चीजें रहने दें ये सारी वाली साइट है इनके ऊपर फ्री वाले वेब बैकलिंग हम बनाएंगे बैक इमेज में 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 सबमिट होती है पीडीएफ में पीडीएफ सबमिट होते हैं प्रोफाइल्स बनती है जो मैंने आपको अपनी उस पे बना के बताया और वेब पॉइंट टू में बैल में आपके आर्टिकल सबमिट होते हैं तो ये वाला सिस्टम होता है सर क्या क्वेश्चन जितना उमर भाई ने बताया उसमें क्वेश्चन करें डेयर वन उमर भाई लर्निंग रिसोर्सेज समझ नहीं आई

फाइबर भी, भी, भी सिखाऊंगा की चीजें भी हरकत किया नेक्स्ट टाइम ना टाइम बहुत है आपका कीमती होता है ना ना मुझे आती है सर की क्या होता है की वर्ड का की वर्ड होता है बैक लिंक जो एंकर टैक्स लिंक बनते हो आगे बताऊंगा ना अभी कोई बात नहीं इसके अलावा अगर आप खुद एक बार आपने लर्न करना आपकी 80 परसेंट चीजें क्लियर हो जाएंगी 80 परसेंट मैं लिख के दे रहा हूँ आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी ये मैं आपको लिख आपको बहुत मजा आएगा आगे पढ़ने में नहीं तो अभी कुछ कोई असाइनमेंट भी दिया असाइनमेंट अगले नेक्स्ट वीक से दूंगा मैं ठीक है आपने YouTube पे जाना मेरे चैनल पे जाना उसके प्ले लिस्ट में प्ले लिस्ट जो, जो जिससे मैंने पहला कोर्स को कोर्स अवेलेबल आपने एक बार उसे लास्ट वॉच कर लेना आपकी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपने प्ले लिस्ट में जाके ना ये दोनों को वॉच कर लेना पांच पांच सात सात मिनट की वीडियो है लेकिन आपको फायदा इतना होगा ना मैं बता नहीं सकता ये आपके अपने लिए है मेरा इसमें कोई नहीं है अगर आपके बहुत फायदा सर प्लीज बता देंगे जी मेल पर बैकलिन के लिए अलग अलग होती है जी जी मेस का भी जुगाड़ है टैप मेल यूज कर लेते हैं कोई वस्तु में मीन के दो टैप अच्छी है हाँ इसे आप वॉच करें आपका बहुत फायदा होगा सर मैं आज से काम जी आज से काम स्टार्ट कर ब्रदर हाँ हैदर भाई मेरी जो ऑफिस में कोई काम नहीं करता मेरे पास जितनी भी टीम है ऑनलाइन टीम है बैकलिन से यही फायदा है फिर आपको बताऊंगा बैकलिन का क्या फायदा है क्या नहीं आप इस तरह किस तरह कर सकते हैं मैंने वीडियो भी नहीं डाली वीडियो भी खेल ला जी कैसे रंग गिक करना बताऊंगा कि सो करेंगे रैंक हो जाएगी सर लैपटॉप के ले बगैर बंदा कर लैपटॉप के ले बगैर थोड़ा तंग हो जाएगा बंदा तो बेहतर है छोटी छोटी चीजें ना ट्रिक्स वगैरह मैं निकालता रहता हूँ कुछ मुझे असल में ना आप तो चलो पढ़े लिखे कुछ कुछ मेरी ऐसी सिस्टम मेरी बहनों के ऐसे होते हैं जो खासतौर पर मैरिड हो या कुछ लोग ऐसे होते हैं सिस्टम जिन्हें अलफ से नहीं पता होता वो कहाँ से लैपटॉप को अरेंज

नेक्स्ट क्लास हाँ जी नेक्स्ट क्लास में अगर कोई बीच में रहना होगी तो मैं ग्रुप में अनाउंसमेंट कर दूंगा संडे को तो मैं लूंगा हर हालत में कभी कभी मेरे सैटरडे संडे को नेक्स्ट वीक मेरे पेपर भी एग्जाम्स भी हैं अगर कुछ ना हो तो मैं उसका अल्टरनेट निकाल के क्लास के मेहनत ले कर दूंगा लेकिन मैं क्लास साढ़े दस बजे इसलिए रखता हूँ की सब मेरे जो भाई हैं मोस्टली जॉब करते हैं फ्री हो जाए फेसबुक से मिलेगा मिल सकता है एक स्टूडेंट है बहुत पहले का चार पांच मंथ हो गया आसिम आसिम में लाइव आसिम के बाद दो से तीन लाख रुपए का मंथली काम आता है वो मंथली अब वो पहले अकेला था मार्च पहले वो गैस गैस बोर्ड बोर्ड छोड़ दिया वो का काम करता है और उसके जो छोटे भाई हैं दोनों वो खुद मेरे ख्याल से सी मैं छोटे भाई हैं वो भी काम करते हैं वो तो चंगी तरह वहां से भी पैसे कमा रहे हैं वो दो तीन लाख रूपये फेसबुक से लोकल क्लाइंट से बना रहे हैं ठीक है आप सब ख्याल रखिएगा थैंक थैंक यू यू ब्रदर सो मच अल्लाह ताला कुछ रखे कमा लेंगे आप, आप कमा लेंगे चार पैसे आपको मुझे सब, आप मुझे आप किसी और को सिखा देंगे वो आपके लिए भी है वही वाले सिस्टम वाली बात है गिग भी मैं चेक करूंगा भाई जाना आप क्यों परेशान मैं उमर मलिक बैठा है किस लिए बैठा है जब तक मेरी जिंदा है मैं बैठा किंग रैंक हुए की कैसी होती है मेरे परे भाई